ये चीज आपको हेल्प करेगी ओवर थिंक करने से निकलने में, इसको कम करने में। धीरे धीरे आपकी लाइफ का हिस्सा बनती जाती है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप आराम से बिना एफर्ट्स के ओवर थिंक करने से निकल आते हैं। आज की जो वीडियो है ना, वो बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है, एंड ये वीडियो बहुत ज्यादा काम की है उन सब लोगों के लिए जो अपने एक्स के वजह से परेशान है, अपने ब्रेकअप के वजह से दुखी है, एंड उस वजह से ओवरथिंक कर रहे हैं। आप उसकी यादों से, उस ब्रेकअप से निकल नहीं पा रहे हैं, वो दुख आपके ऊपर हावी है। अगर ऐसा है तो आज मैं आपको ऐसी 3 ट्रिक बताने वाली हूँ जो फॉलो करके आप इस ओवरथिंकिंग को काफी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। कौन सी है वो ट्रिक्स, जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए मैं डिटॉक्स फैमिली, जब आपका दिल टूटता है, जब आपका अपना छोड़कर जाता है, तो उसकी यादें, उसकी बातें, उसके साथ गुजारा हुआ यार एक पल आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी होता है। आप उन यादों से निकल नहीं पाते एंड ये सब हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या इसको हैंडल करना नामुमकिन है? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन इसको हैंडल कैसे करना है ये पता होना चाहिए। इस ओवर थिंकिंग को कम कैसे करना है इसका रास्ता पता होना चाहिए। इसके लिए आप सबसे पहले एक काम कीजिए, आप ये समझिए कि ओवरथिंक आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप दुखी हो एंड आपके दिमाग में वो चीजें बैठी हुई हैं। उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट है, आप सोच नहीं पा रहे हो। आज एक काम कीजिए, एक पेन और पेपर उठाइए, एक डायरी उठाइए एंड लिखना शुरू कीजिए कि आपकी जिंदगी में क्या क्या चीजें हैं जो इस वक्त करना बेहद जरूरी है, एंड ऑन द अदर हैंड आप वो चीजें लिखिए जो आप इस समय कर रहे हैं जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो जरूरी चीजों में आएगा आपका स्टडी करना, अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें आएगा आपका वर्क करना, काम करना, घर का कुछ काम है आपका, डेली की कुछ चीजें हैं जो जरूरी हैं, आप जिम जाते होंगे, आप फ्यूचर में ग्रोथ के लिए अभी कोई कोचिंग वगैरह ले रहे होंगे, कोई भी चीज है जो आपके टारगेट है फ्यूचर को लेकर जो जरूरी है वो लिखिए। ऑन द अदर हैंड जो अननेसेसरी चीजें हैं उसमें क्या आ सकता है, ओवरथिंक करना, उसके बारे में सोचना, उसके लिए रोना, जिसका कोई यूज नहीं है। एंड आप देखेंगे कि फालतू चीजें हैं ना, उसके दुख में रोने वाली बातें हैं, उसके बारे में सोचना है, उससे बदला कैसे लें, ये सब चीजें हैं आपका पूरा दिन खा लेती है। एंड उस अननेसेसरी चीज की वजह से आप अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो अभी करना बेहद जरूरी है। देखिए पता हम सबको है क्या जरूरी क्या नहीं, लेकिन जब जो चीजें हमें पता है वो हम पेन से, अपने हाथों से पेपर पे लिखते हैं ना, तो इसका इंपैक्ट अलग तरीके से होता है। इसलिए मैंने कहा कि लिखना जरूरी है, आज ये चीज लिख लीजिए एंड फिर जो भी जरूरी चीजें हैं उस पर ओके टिक लगाइए, एंड जो अननेसेसरी चीजें हैं उसको काट दीजिए, उसको कट कीजिए। आप देखेंगे ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि जब भी वो इंसान आपके ऊपर हावी होगा ना, आपको पेपर पे किया हुआ कट याद आएगा, पेपर पे लिखी हुई जरूरी चीजें याद आएगी। ये चीज आपको हेल्प करेगी ओवरथिंक करने से निकलने में, इसको कम करने में। सो ये ट्रिक आज पेपर पे लिखकर आजमा के जरूर देखिए, इससे बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है। दूसरी चीज जो आपको करना है वो ये कि अभी आप क्या कर रहे हैं, ओवरथिंक करते हुए आप ये तो सोच रहे हैं कि उसने क्या किया, लेकिन साथ में आप ये भी समझ रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं कि यार मैं ऐसा करूंगा ना, इसको बताऊंगा, मैं ये अचीव कर लूंगा, मैं ऐसा बन जाऊंगा, मैं अपने पर इतना ध्यान दूंगा, मैं हैंडसम बनूंगा, मैं अट्रैक्टिव दिखूंगा, इसको पछतावा होगा। आप सोच रहे हो कि आप क्या क्या करने वाले हो एंड आप सिर्फ सोच ही रहे हो, आप कर कुछ नहीं रहे। जब तक आप ओवरथिंक करते रहोगे ये ओवरथिंकिंग बढ़ती रहेगी। ओवरथिंकिंग को कम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है एक्शन लेना, तो सिर्फ सोचो नहीं एक्शन लेना शुरू कर दो आज से, बिल्कुल अभी से। जो आप सोच रहे हो ना कि इसको ऐसे पछतावा दिखाना है, मुझे कुछ अचीव करना है, इस बार का एग्जाम क्रैक कर लेना है, वो लिख लो अपने बेड के सामने, बिल्कुल ही मोटे मोटे अक्षरों में। जिम जाना है, हैंडसम बनना है, लिख लो एंड उस पर एक्शन करना शुरू कर दो, उस पर स्टेप लेना शुरू कर दो।
जब आप एक्शन लेना शुरू कर दोगे ओवरथिंकिंग अपने आप ही कम होती चली जाएगी। तो यह है दूसरा बेहतर तरीका ओवरथिंकिंग कम करने का। तीसरी प्रॉब्लम होती है जब आप बैठे होते हैं कोई काम कर रहे होते हैं आपको खुद नहीं पता चलता कि कब आपने उस एक्स के बारे में सोचना शुरू कर दिया, कब आप उसकी यादों में डूब गए। होता होगा आपके साथ, अगर होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे कैसे निकले, क्योंकि ऐसे में एक दो घंटे आपके बीत जाते हैं, हाथ में किताब है आप पढ़ रहे हैं आपको पता ही नहीं आपने कब उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, एक दो घंटे बीत गए। इट हैपेंस इन लव इन हर्ट इन ब्रेकअप। So, अगर ऐसा होता है तो एक काम कीजिए, अपने आप को चैलेंजेस देना शुरू कीजिए, अपने दोस्त से बात कीजिए कि यार चल इस बार हम ये वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उससे बैट लगाइए। देखिए बैट हारना किसी को अच्छा नहीं लगता, बैट चाहे 10 रुपए की लगाओ लेकिन लगाओ उस पर कुछ, लगाओ दाव पर लगाओ। इससे क्या होगा, जब आपको पता है कि आपको कॉम्पिटिशन है अपने फ्रेंड से एंड आपने उसको चैलेंज दिया है कि यार जितना भी हो गया ना उस लड़की के लिए रो लिया मैं, अब देख मैं तेरा भाई आज पढ़ेगा और ये चैप्टर कंप्लीट करके दिखाएगा, तब आप पढ़ोगे तो आपके ऊपर ये जो आपका चैलेंज है ये हावी होगा, ये आपको उस डीप थिंकिंग में जाने नहीं देगा, ओवरथिंक करने नहीं देगा। अगर आप जाओगे भी आपका दिमाग तुरंत आपको खींचकर प्रेजेंट में लेकर आएगा कि यार क्या कर रहा है, पढ़ ले, 2 घंटे बीत चुके हैं तेरे पास सिर्फ 4 घंटे हैं, या फिर अपने टेबल के आगे आप डोंट थिंक अबाउट हर ऐसा कोई नोट लगा लो, जैसे आप ओवरथिंक करके उस नोट को पढ़ोगे आपको ध्यान आ जाएगा क्या कर रहा हूं मैं। इस तरह की चीजें करोगे जब अपने आपको चैलेंज दोगे तो ओवरथिंक नहीं करोगे, इससे आप बाहर आने लगोगे। एंड शुरुआत में चीजें मुश्किल होती है, धीरे धीरे आपकी लाइफ का हिस्सा बनती जाती है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप आराम से बिना एफर्ट्स के ओवरथिंक करने से निकल आते हैं। सो इन 3 ट्रिक्स को डेफिनेटली अप्लाई कीजिएगा एंड रिजल्ट बताना ना भूलिए। चलिए अब मुझे विदा दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।